मेरठ में पति से प्रेम प्रसंग के शक के चलते एक महिला अपनी भाभी पर टूट पड़ी। पहले उसके मुंह पर गालिक पोती और फिर बाल काट दिए। मामला घर से बाहर निकला तो दोनों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। मामला मेडिकल थाना क्षेत्र की एक कॉलोनी का है। एक होटल मालिक की बहन की शादी दिल्ली में हुई थी। महिला मायके पहुंची और हंगामा खड़ा कर दिया। आरोप लगाया कि उसके पति का चक्कर उसकी भाभी से चल रहा है। उसने कई बार विरोध भी किया लेकिन भाभी नहीं मान रही है। इसको लेकर ननंद ने भाभी के मुंह पर कालिक पोत दी। विवाद इतना बड़ा कि ननंद ने कैंची से भाभी के बाल तक काट डाले। वही मामला घर की दहलीज से सड़क पर आ गया। मेडिकल एसओ कैलाश चंद मौके पर पहुंचे और दोनों को हिरासत में ले लिया। उनका कहना है कि दोनों पक्षों से पूछताछ की जा रही है। हाँ, इसमें ननद भौजाई के बीच में एक विषय को लेकर विवाद की बात संज्ञान में आई है, जिसमें इस तरह की गलत और अवैधानिक हरकत की गई है, जिसके परिप्रेक्ष्य में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करके सुसंगत कार्रवाई इसमें की जा रही है और जो महिला ने कृत्य किया था उसको हिरासत में ले लिया गया। इसमें जो भी आरोपित रहेंगे, जिसका भी एंगल निकल के आएगा, जो तहरीर में है या नहीं है, लेकिन अगर जिसका भी सहयोग होगा उसके खिलाफ़ कार्रवाई की जाएगी।